हेलो दोस्तों, देखिए मित्रों, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा स्टडी रूम जो मैंने रेंट पर लिया हुआ है, जहाँ मैं अपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट इन सभी की जो तैयारी जिस चली रही है। वैसे मैं तो मेरा सेकंड ग्रेड का ही फोकस है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। तो सेकंड ग्रेड की मैं तैयारी जहाँ से लेकर कर रहा हूँ, वो आप देखते हैं। ये मेरा रूम है जहाँ पर रहकर मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है। तो आज थोड़ा मौसम सुहाना है, आपको पता है कि बारिश का मौसम है, और ये बुक्स रखी हुई हैं। इधर भी आप देखते हैं कि यहाँ मंदिर है, बुक्स हैं, ठीक है। और इस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं, ये मेरी टेबल है और ये चेयर है जहाँ बैठकर मैं स्टडी करता हूँ। ये कुछ सामान रखे हुए हैं, खाने पीने की गैस वगैरह है, ठीक है। तो मित्रों, तो ये रूम है और ये सोने के लिए चारपाई वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टडी हो रही है फिलहाल। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो है काफ़ी पास है, आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये बाहर की लोकेशन है, बिल्कुल एक सेपरेट रूम, ये मकान है बिल्कुल सेपरेट है जहाँ पर तैयारी हो रही है, क्योंकि एक फैमिली वाले जगह पर तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ा सा सेपरेट लिया था। ये स्पेशल अपनी अपने लिए है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं, ये लोकेशन है वो। तो ये दो रूम हैं, एक इधर भी है रूम। तो इस तरह से हम यहाँ पर रह कर की तैयारी कर रहे हैं। आप भी अपने अगर तैयारी घर से कर रहे हो तो अपने घर को छोड़ करके बाहर आइए, जहाँ से आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है, ठीक है। क्योंकि घर पर बहुत सारे काम होते हैं और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करें सही तरह से। पढ़ाई को अगर व्यवस्थित तरह से करना है, थोड़ा सा घर से बाहर आ करके आप बाहर रहिए, तो एक अच्छी स्टडी आपकी हो पाएगी, है ना। तो इस तरह से आप देखते हैं। तो ये कुछ साथी पूछ रहे थे, थोड़ा सा बताया है मैंने लोकेशन। तो ये मेरा स्टडी रूम है। बाकी फिलहाल फर्स्ट ग्रेड क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गया, तो उसके लिए मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। और आप देखते हैं यहाँ पर बैठ करके मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा टेबल है। तो मित्रों,